हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई मीन अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं वो बताऊंगी जो आपको कल बोला था कि मैं कहाँ आई हूँ। तो वीडियो में आप ऐसे कंटिन्यू बने रहिए, मैं बताती हूँ कहाँ आई हूँ। कहने रही है, इस वक्त आ गया बताने का मैं कहाँ आई हूँ। तो गाइस, मैं आई हूँ अपने घर। ये देखिए, ये मेरा सुंदर सा पेड़ जिसमें यहाँ पर तो अमरूद नहीं लगा है गाइस, लेकिन फूल वगैरह बहुत ज़्यादा लगा है। और ये रहा मेरा, देखिए ट्रैक्टर, आई मीन ट्राली है ये। और ये रहा देखिए ट्रैक्टर का मुंडे। और भी बहुत कुछ है बाहर लगा हुआ, दिखाती हूँ। ये देखिए थ्रेशर, इसमें गेहूँ कटता है। और ये रहा मेरा प्यारा सा उड़हुल का फूल। इधर भी है, लेकिन अभी इधर वाला प्लॉट खाली है, इधर घर अभी बना नहीं है। इधर साइड, अब इधर साइड ही है। काफ़ी धूप है। चलिए, मैं ट्रैक्टर में बैठने का सोच रही थी, बट लिपस्टिक बना मुँह अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये मेरा घर है जो अभी अंडर प्रोसेस पे हैं, अभी बना नहीं है, बन ही रहा है। और सेट देखिए, मैं कभी आपको होम टूर कराऊंगी। नीचे में अभी तोड़ फोड़ हुआ है, घर पे कोई है नहीं, इसलिए नहीं अभी बन रहा है। और ये रहा हमारा एंट्रेंस घर का। एक और भी है उधर, इधर भी बना वाला। ये सामने में ऐसे ही एक छोटा सा बना दिया गया जब तो दीदी का शादी हो रहा था तब। ये देखिए मेरा प्यारा सा ट्रैक्टर जो फिलहाल अभी लगा हुआ है वो। ये देखिए कितना सारा अमरूद लगा हुआ है। गुआवा सी, चलिए ऊपर चलते हैं। और ये रही मेरी तुलसी माता जी। देखिए मम्मी यहाँ पे एक फूल भी लगाई है जिसमें वाइट वाइट, इसे चमेली बोलते हैं। इधर भी एक लगा हुआ है, एक इधर भी है। एक चीज़ दिखाते हैं आप सबको भाई, जिसको जिसको भी हर जोतवाना हो या धान रोपवाना हो हमसे कांटेक्ट करें। आई मीन मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं अपना गाड़ी भेज दूँगी यहाँ से। तो गाइस, ये देखिए एक अमरूद प्यारा था मुझे मिल गया। और मुझे ये दिखाती हूँ, ये देखिए, ये रहा गाइस, देख सकते हैं। चलिए उसको वापस अपनी जगह भेज देती हूँ। आ जाओ भाई इधर, चलिए उसको तोड़ने का जुगाड़ लगाते हैं। अभी बहुत सारा है, अभी ढूंढूंगी तो मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा उसमें। अल्ट ऊपर चढ़ना पड़ेगा मेरे को पेड़ में। शाम में चढ़ूंगी तो आप सबको दिखाऊंगी, या फिर कल। हाँ, या देखिए ये और ये देखिए वो हल जोतने वाला, सॉरी कदई करने वाला जिसमें धान वगैरह रोपा था। और ये नहर है घर के सामने ही है, कभी पानी उसमें बह करता था बट अभी तो नहीं है, इसलिए मैं चढ़ गई पेड़ पे। अब मैं तोड़ूंगी अमरूद। यहाँ देखते हैं वो तो वो खा गए कांचा पंखा। आँख में गिरता हूँ, आँखिया मून चाहिए। तो मैं कहाँ बैठी हूँ, सी 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 सी, अरे सॉरी छोड़िए, मैं देखिए आप लोग। इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन बट आज तो धूप निकल गया गाइस। और मैं घर में आती हूँ तब भी हमेशा यहीं आके बैठ जाती हूँ, फिलहाल अभी उस जगह पे बैठती हूँ, ये येलो वाला सीट है ना वहाँ, बट थोड़ा सा वो गंदा है इसलिए आज बैठी नहीं।
तो साफ करेंगे कुछ देर में, फिर अब चलिए मैं उतर जाती हूँ। सो फाइनली गाइस देखिए शाम हो चुका है और मैं बैठ गई हूँ। देखिए मैं क्या खा रही थी, एक्चुअली और भी कुछ था बट आपको दिखा नहीं पाई। सो फाइनली गाइस हो चुके हैं शाम और मैं उठ के ही हूँ। ये देखिए शाम का कुछ स्पेशल सा नज़ारा है मेरे घर के आसपास। सी ये फ्रंट साइड का हो गया, बैक साइड दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये देख सकते हैं मेरा छत जो कुछ स्टेप्स हैं, कल मैं दिखाऊंगी बाकी का नीचे का। अब यहाँ से देख सकते हैं चलिए अपने पेड़ पौधे से मैं मिलवाती हूँ क्योंकि दिन में कोई देखता नहीं है तो सूख गया। ये रहा एलवेरा, सुंदर सा मोटू तो हो ही गया है, इसको थोड़ा सा कटिंग का ज़रूरत है आई थिंक सो। ये तुलसी पौधा सूख गया है, ये भी छत में कोई ऊपर आ नहीं पाता है देने के लिए पानी, सबसे बड़ा दिक्कत। और नीचे भी है, नीचे वाला देखते हैं क्या सीन है। उसको तो आई थिंक बहुत ज़्यादा पानी हो गया, इसको पानी को गिरा देते हैं। देख सकते हैं कितना मस्त वाला नज़ारा है, मौसम भी काफ़ी मस्त है आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको नीचे दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं नीचे नीचे में पापा बैठे हुए हैं। ये सामने अब जो नहा दिख रहा है, कभी यहाँ पे बहुत सारा पानी भी गुजरा करता था बट अभी नहीं है, अभी पूरा सुखाड़ आ गया है। आई मीन बहुत टाइम से पानी नहीं भरा, अभी बनने वाला है। और ये मेरे आसपास पड़ोस के घर, और वो जो लंबा वाला घर दिख रहा है आपको, चलिए मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। वो मेरे दोस्त का घर है गाइस, जिस पे झंडा फहर रहा है। और वो तो तल्ला वाला आप घर देख रहे हो, वो भी मेरी फ्रेंड का घर है जो कि शादी हो चुका है, यहाँ नहीं रहती है वो अभी, यहाँ पे सिर्फ मेरी एक दोस्त रहती है। तो फिलहाल अभी कोटा में आई थिंक सो मिले नहीं है काफ़ी टाइम से, पिछले बार छठ में मिले थे। रहती नहीं है ना, और मैं भी यहाँ पे नहीं आती हूँ। और ये रहा हमारा मेन रोड, आप वहाँ देख सकते हैं गाइस वाइट वाइट जो घर दिख रहा है, टायर वाला जो घर दिख रहा है ना उसके पीछे, यहाँ पे वो एप्लस लाइन हेलीपैड, जो कभी मैं उधर जाऊंगी तो आप सबको दिखा दूंगी, ये काफ़ी अच्छा है। उधर ही रिंग रोड भी है, तो चलिए ब्लॉग को जहाँ तक लंबा नहीं करेंगे गाइस। और वो दूसरे टाइप, वो ये जो सामने वाला पहाड़ देख रहे हो, उसका नाम है बंडा पहाड़, ठीक है। बहुत सारा घर इधर भी अंडर प्रोसेस में है, उधर तक सारा ऑलमोस्ट घर बन गया है। उधर उस गाइस आप देख सकते हो उधर एक भी घर नहीं था, जब जिस टाइम हमारा घर बन रहा था एक भी नहीं, कहते थे शेर इधर दौड़ता था। और वो देख रहे सामने पहाड़ है, पहाड़ में से देखिए आग भी निकल रहे हैं, काफ़ी मस्त लग रहा है। बहुत दिन बाद हम तो बोले थे 6 महीने बाद मैं घर आई हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं और नए नए छोटे छोटे ब्लॉग।